दबाकर खत्म करें। पैर में प्लास्टर था तभी भी चलती रही, प्लास्टर खुल गया तभी भी चलती रही, बीच में मैदानता में जाके भर्ती थी तभी भी चलती रही, अंत में चुनाव प्रचार समाप्त हुआ तब मैं जाकर डॉक्टर के पास गई थी दवा लेने के लिए, क्योंकि 15-15 घंटे गाड़ी की बोनेट पे खड़ी रही, कड़ी धूप हो या कड़ी ठंड हो मैं अपनी जनता के बीच में लगातार रहती हूँ, अपने क्षेत्र में चलती रहती हूँ। आखिर कितना चलूंगी मैं, कितना चलूंगी मुझे बताइए, मैं कितनी बार इसी तरह लड़ रही हूँ, 14 साल हो गए, अब मेरा वनवास खत्म कीजिए। कल आपका एक भावुक अपील था, आप अभी भी आपकी आंखों में थोड़ी सी वो भाव दिखाई दे रहे हैं, कल आप रोते हुए सामने आई, आपने वोटर्स से अपील की कि आप वो वनवास खत्म कीजिए, हमको वोट करिए, तो आपको आपको क्यों ये भावुक अपील करनी पड़ी, जनता से ऐसा जुड़ाव क्यों आप बनाना चाहते? देखिए मैं लोग अभी भी भावुक हो रही हैं, लोग आज आपका जन्मदिन है जी जी, लोग चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आते हैं, मैं चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में रहती हूँ, पूरी सुख सुविधाएं छोड़कर अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में उनकी समस्या का समाधान भी किया। मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, कोई बीडीसी नहीं हूँ, तभी भी दमदारी से लड़ती हूँ, तो जब कुछ बना देंगे तो कितनी दमदारी से आवाज उठाऊंगी सड़क से लेकर संसद तक की। हाँ, अपने परिवार से अपील करने के समय थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं और निषाद समाज भी दे रहे हैं, फिर भी कुछ जगह ऐसे हैं कि मुझे अपने परिवार से अपील करनी पड़ रही है, तो कोई अपने परिवार से अपील करेगा तो भावुक हो जाएगा थोड़ा। आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने वोट डालने के बाद मीडिया इंटरेक्शन की, उसमें उन्होंने कहा कि आज आपकी रिव्यू मीटिंग हो रही है दिल्ली में, वोटिंग के बाद ही आप लोग अलग अलग हो जाएंगे, कई फाड़ हो जाएंगे इंडिया अलायंस के, वो लगातार आक्रमण कर रहे हैं आप लोग। देखिए उनके कहने से कुछ नहीं होता है, उन्होंने कहा था 15 लाख आएगा लेकिन किसी के खाते में नहीं आया, उन्होंने कहा था 2022 से पहले पक्का मकान बनेगा, 2022 से पहले 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, गोद लिए हुए गांव जो है वो उनका विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, काला धन वापस आएगा, ऐसे बहुत सारे वादे जो उन्होंने बोले और नहीं हुआ। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, जनता समझ रही है। रवि किशन जी कह रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से वो इस बार जीतेंगे, 2019 से ज्यादा मार्जिन 2024 में मिलेगा, आप लोग 2018 की जीत दोहराने वाली बात कह रहे हो, तो दोनों में किस पर भरोसा किया जाए, जनता किन मुद्दों पर? माननीय सांसद जी कहते हैं कि गरीबों के और निषादों के पसीने से बदबू आती है, तो गरीब और निषाद उनको वोट क्यों दें? माननीय सांसद जी कहते हैं कि हम साधु बन जाएंगे, हमको डर लग रहा है हम हिमालय चले जाएंगे, तो जनता क्या आपको हिमालय खोजने आएगी? जब हिमालय ही जाना है तो कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए, तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, फिर आप जो है वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो बाहरी है, जौनपुर के हैं, मैं घर की हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ, बहुरिया हूँ, हम पूछते भी ये सवाल कि माननीय सांसद जी को कहीं देखी हो बहनी, तो कहती है बहनी देख ले आई टीवी में नाचत गावत देख ले आई, वैसे तो नहीं देखी हूँ। तो ये सारी जो चीजें हैं जनता समझ रही है, जनता अब तो भोजपुरी में बतिया के लोग से अपील करते हमें गाना गावत हमें जगह जगह की रवि किशन के वोट दिहल जाओ, आप भी भोजपुरी की सुपरस्टार हैं, आप भी वो लगातार भोजपुरी में अपील करे नहीं, तो ये भोजपुरी के सुपरस्टार लोग राजनीति में आवता का ओकर कद से लोग वोट देवे के तुलना करता का जेकर जितना बढ़ कर। देखिए पहली बात तो मैं भोजपुरी की स्टार नहीं हूँ और मैं टीवी सीरियल की अभिनेत्री हूँ और मैंने 7 भाषा में काम किया हुआ है, और रही बात भोजपुरी की तो बिल्कुल यहाँ की जो है वो मीठी भाषा है और हमारे संस्कृति है, भोजपुरी भाषा हमारी भाषा है, बोली है, तो हम सब बोलते हैं, मैं भी बहुत बोलती रहती हूँ, लगातार घर में भोजपुरी और हिंदी बोलते रहते हैं, तो मैं कितनी बार कहती हूँ जनता को कि बहनी जैसे हमन के रोटी पलटावल जाला ना, तो रोटी अल्टी पल्टी करल जाला ना, एक दरे रही तो जर जाई ना तो कच्चा रह जाई, जब अल्टी पल्टी हुई तब ना खाए लायक बनी, वही दरे सरकार जब अल्टी पल्टी हुई तब सरकार के दहिया में डर बैठी, तब सरकार काम लायक बनी। देखी जैसी बर देखा हुआ आई तो का पूछल जाला, बर देखा हुआ आई तो पूछल जाला कि लड़का कितना कमाता, कौन नौकरी करता, कितना पढ़ल लिखल बा, ई ना पूछाई, ई ना पूछाई कि लड़का कितनी बार कावड़ ढोले बा, समधी जी बताई तनी लड़का कितना राम राम जपता, क्वालिफिकेशन में लिखी तनी कितनी बार अयोध्या सीढ़ी चढ़ लेबा, ई ना पूछाई, क्वालिफिकेशन में प्रोफेशन में लिखाएगा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है और कितना रोजगार कर रहा है, तो जरूरी बा पढ़ाई लिखाई रोजगार मुद्दा जरूरी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। इस बार ये रोटी अल्टी पल्टी होगी, इस बार रोटी जो जल रही है आपके अनुसार वो रोटी अल्टी पल्टी होगी? बिल्कुल, इस बार 1 तारीख को आशीर्वाद देंगी जनता हमको, जन्मदिन का बटन दबाकर साइकिल का रोटी को अल्टी पल्टी कर देगी जनता। बहुत शुक्रिया।
बनी अब उतर जाइए।